जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2023, वार है सोमवार। हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में क्या भाव रहा। किसान भाइयों, उस साइड का वीडियो मैंने बना लिया है और भाव भी ले लिए हैं। आगे क्या भाव क्या क्या नहीं है सारी चीज़ मैंने आगे आपको बताई है। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगती है वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करके और कहीं ना कहीं लाइक करके अपना कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी दीजिए। चलिए फिलहाल इधर एक मिनट के अंदर अंदर भी घंटी लगने वाली लग गई। अब इधर का भाव देखते हैं क्या भाव इधर मिलता है। उधर तो हमने देख लिया, देखा जाए तो औसत की तरह 35 से 40 रुपए चला गया है। ये 35 से 40 के बीच में औसत गया किसान भाइयों, अगर आप भाव देखेंगे। और लगभग 15 से 20 मिनट में सारा माल इस साइड का तो बिक चुका है। अब अपन थोड़ी देर बाद उधर देखने वाले हैं कि उधर आखिर अब भाव क्या जा सकता है और क्या। हालांकि मेंटेन तो रहना ये पक्की बात है, जो भाव था वो आज का जो इधर भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि देखो इधर भी आवक कम है उधर भी आवक कम थी। 15 मिनट में खत्म, इधर भी 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो मेरे को हमने भी चर्चा भी करी थी पंकज भी, यार हम दोनों ने आज कि आज भाव क्या हो सकते हैं, उछाल मार सकते हैं। सेठ जी ने भी चर्चा करी थी हम लोगों से और वो वाक्य में सच हो गई बात कहने की भाव, क्योंकि देखो कंडीशन वही बता रही थी कि आवक कम और मंडियां दूसरी बंद, तो लेवाली कहने की क्या हो गई, बहुत अच्छी हो गई। तो फिलहाल अभी इधर थोड़ी देर बाद देखने वाले इस साइड भी क्या भाव रहने वाला है। क्या नाम है? चौधरी जी। क्या कितना प्याज लेके आए थे? 91 और भाव क्या मिला अपने को आज? 42 रुपये 25 पैसे। यही वाला प्याज जब आपने 2-4 दिन पहले बेचा था तब क्या गया था? ये भी करा डबल 33 रुपये। 33 रुपये और आज कितना? आज लगभग 10 रुपये कहने की ज़्यादा। तो ये आपने बेचा कब था ये वाला? 5-6 दिन पहले। 5-6 दिन पहले बेचा था। चलिए अगर किसान भाई आपने अगर हमारा आवक का वीडियो देखा तो उसमें मैंने आज बता ही दिया था जो आवक के हिसाब से कि आज भाव 40 के आसपास तो रह सकता है या ऊपर भी जा सकता है। तो आवक वाला वीडियो देख रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। चलिए जय जवान जय किसान। ठीक है किसान भाई, ये वाला गया क्या भाव गया? 42। किसान भाई 42-25। किसान भाई ये वाला गया 42 रुपये 25 पैसे के हिसाब से गया कहीं ना कहीं। ये वाला भी कहा 40 रुपये के हिसाब से कहीं ना कहीं, जैसा व्यापारी भाई और किसान भाई बता रहे हैं। आपका 4000 में किसान भाई ये वाला हो गया डन 4000 के हिसाब से आपने लिया। दादा क्या भाव ली? 4000 के हिसाब से ली गई है कहीं ना कहीं 40 रुपये कहीं ना कहीं। आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र जी कहाँ से आए? आज क्या भाव गया प्याज आपका? 4000 40 रुपये के हिसाब से। जय जवान जय किसान। ठीक है दादा क्या भाव दिखा? 38 रुपये। मुस्कान देखो दादा के और बाकी दादा को जानते हो वीडियो में देखते रहते बार बार। अगर देखा जाए तो आज थोड़ा सा मार्केट टाइट है, मैंने आवक वाले वीडियो में बता दिया था। अभी और हम लोग पता करते हैं क्या भाव क्या जा रहा है। 4100 41। किसान भाई ये वाला गया 4141 रुपये के हिसाब से गया प्याज। प्याज देखेंगे तो बहुत बढ़िया प्याज है, किसान साथ में बात कराता हूँ। दादा क्या नाम है? पाटीदार जी कहाँ से आए? क्या भाव गया आपका प्याज? 41 रुपये। कितने कट्टे लेते लेके आए थे? 50। चलिए जय जवान जय किसान। चलिए किसान भाई थोड़ा उधर चलते और देख के आते हैं आखिर क्या भाव हो रहा है। 35 रुपये 37। ये वाला गया 37 के हिसाब से गया वाला गया 3751 के हिसाब से। किसान भाई ये वाला गया 42 रुपये के हिसाब से, 42 के हिसाब से गया कहीं ना कहीं। ये वाला प्याज देखेंगे बहुत अच्छा प्याज है, उस वाले के 28 लगे हुए किसान भाई। 31.5 लग चुका है, 34.5 लगा हुआ किसान भाई फिलहाल। 3511 रुपये 3511। 3551 जा रही भैया, 3551 में डन। किसान भाई ये वाला गया 35 रुपये 51 पैसे। ये वाला क्या था? 37.5 3751 गया था। ये वाला गया 37 रुपये 51 पैसे 35 रुपये 51 पैसे। क्या नाम है? क्या भाव गया प्याज आपका? 35
लगभग लगभग माल बिक ही गया, पूरी तरह से खत्म हो चुका है माल, लगभग लगभग बिक चुका है 15 मिनट या 20 मिनट में माल तो फिनिश हो गया। आज हाईएस्ट क्या क्या? 41 रुपए बेचा है अपन ने। और किस टाइप का माल था? बढ़िया माल था, अच्छा था। एवरेज माल बिका है 35 से 40 के बीच। आज खरीदने की तेजी देखने को? भयंकर तेजी है, माल कम है। तेजी माल कम है, देखो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। कम होने की वजह से जो है माल तेज बिका है। भाई सीधी सी बात है, आवक का गणित आप समझ लो, अगर आवक कम होगी तो रेट बढ़ जाएंगे। मैं एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूँ। दूसरी बात, आज दूसरी मंडियाँ भी बाहर की कुछ बंद है, तो दो फैक्टर आज काम कर गए। अब डिमांड तो सब तरफ इंदौर से ही पूरी हो रही है, आसपास जहाँ जहाँ मंडियाँ बंद है, तो इस कारण दो फैक्टर काम करे, आवक कम और मंडियाँ बंद, इस कारण कहने के आज भाव जो है वो क्या हो गया, तेज हो गया। तो फिलहाल अभी थोड़ा और देखते हैं हम लोग कि आज क्या भाव क्या रहा, आज अपने यहाँ क्या हाइएस्ट क्या भाव रहा क्या। चलिए अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, सुनील भैया से बात करते हैं। सुनील भैया जय श्री राम। जय श्री राम, नमस्कार बोल दीजिए किसान भाई। आज क्या प्याज की अपने यहाँ क्या भाव क्या क्या? बहुत कम होने की वजह से 20,000 की आवक होने की वजह से भाव में बहुत उछाल। अपने हाईएस्ट क्या क्या अपने यहाँ? 38 रुपए तक भी बिका, 41 रुपए अच्छी प्याज 41 रुपए तक भी बिकी कहीं ना कहीं। जय जवान, जय किसान, जय बलराम। तो देखिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, सारा खेल आवक का होता है, आवक कम हुई प्याज का भाव बढ़ा। मांग और पूर्ति का मैं बार बार नियम बता चुका हूँ, उस नियम को आप समझने की कोशिश जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छा अपने को भाव मिलेगा। अभी फिलहाल और हम लोग देखते हैं और कहीं क्या भाव जा रहा है। किसान भाई देखिए आज कहने की जो आज आवक और भाव देखो ये वाला 21 रुपए के हिसाब से गया है। देखिए आप इसका मतलब ये कतई नहीं निकाले कि कल भी 21 रुपए जा सकता, सीधी सी बात है भाई। भाई मैं सीधी सी बात है, मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि आज जो चौपड़ भी देखा आपने जो खराब हो रहा है 21 रुपए गया, इसका मतलब कतई नहीं होता कि फिर बाद में भी 21 जा सकता है या क्या होगा। कहने का मतलब है कि अगर आवक के कम 42 रुपए, तो सीधी सी बात है। देखो दादा बोला 42 रुपए, ये प्याज ली दादा ने 42 रुपए में, देखो आप 42 रुपए में खरीदी 42 रुपए में, तो कहना मतलब आज आवक कम थी, इसका क्या हो गया भाव उछाल लेके चला गया। फिलहाल थोड़ा और देखते हैं कहीं अपन 38 लग चुका है किसान भाई फिलहाल, 38 रुपए लग चुका है किसान भाई फिलहाल, 33 रुपए लगा हुआ किसान भाई फिलहाल, 37 रुपए सवा छत्तीस के हिसाब से प्याज देखेंगे तो व्हाइटनेस जरूर आ रही, चॉकलेटी है, कहीं कहीं पत्ती भी निकल रहा है, लेकिन ये गया सवा छत्तीस के हिसाब से। साहब मेरे को अभी तक सबसे छोटे किसान मिले आज, क्या नाम है आपका? आरुष। कहाँ से आए आरुष? सिंगरौल से। आप क्या लेके आए थे? प्याज लेके आए, और क्या भाव बिका है? 37 रुपए। तो किसान सबसे छोटे किसान मिले, बोलो जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बाय बाय। चलिए अभी और आगे देखते हैं हम लोग क्या भाव। एक और छोटे किसान प्याज का भाव भी 50 रुपए किलो वो ज्यादा अच्छा है भैया। एक और किसान मिले उनको, एक और किसान किसान भाई ये वाला गया 37 प्याज देखेंगे तो व्हाइटनेस है, और एक और छोटे किसान मिल गया हमको। हेलो करो, हेलो, क्या नाम है आपका? इधर थोड़ा उधर। छोटे किसान मिले हमको, क्या नाम है आपका? परिवेश। कहाँ से आए अपन? पापा के साथ आए हो। प्याज भाव बिकते देखा आपने? देखा ना, 37 कितना बिका? 37 रुपए, 37 रुपए किलो। अच्छा ये धीरे धीरे ना अपने को भी थोड़ी किसानों की जानकारी लेना है ना, केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ ये काम भी देखना, आपने सारी चीज़ों का जानकारी होना चाहिए, और पढ़ाई अच्छी करनी। अच्छी पढ़ाई करता है, नहीं करता है? अच्छी पढ़ाई भी करना है और जानकारी भी लेना है खेतों की। हाँ बोलो इधर, क्या मैं पढ़ाई भी अच्छी करूँगा और बाकी दूसरी जानकारी भी लूँगा। ठीक है, जय जवान, जय किसान। ठीक है भैया जी, ये वाला किसान भाई गए 40 रुपए के हिसाब से गया कहीं ना कहीं। प्याज देखेंगे तो गुलाबी प्याज है, कहीं कहीं व्हाइटनेस आ रहा है।
साठ में कम हो जाते साहब। क्यों ये वाला 41 किसान भाई 41 किसान भाई ये वाला क्या 41 रुपए के हिसाब से कहने की प्याज देखेंगे तो उसमें गुलाबी भी है, छोटा भी है, पत्ती भी निकल रही व्हाइटनेस है और ये गया 41 रुपए के हिसाब। भाई साहब आज वाकई में भाव जो मिल रहा है मजा आ गया भाव देख के, और आप बस आवकों को कंट्रोल में रखो, भाव इस तरह से मिलेगा बढ़िया वाला। लिखा गया 40 रुपए किसका माल है, आपका माल है क्या? क्या नाम भैया? एक ना, क्या नाम है? पटेल। पटेल साहब कहाँ से आए हैं? क्या भाव क्या प्याज?